हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और भाई पिछले गेम में जो तुमने देखा कि कितनी भसड़ मची हुई थी अपार्टमेंट में भाई क्लियर कर रहा था मैं एक एक करके टीम लेकिन जो हम गए भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से गुस्से में मैंने दूसरा मैच लगा दिया और ये दूसरा गेम वही है तो भाई देखो मतलब क्लियर करके ही रहेंगे हम ये वाला अपार्टमेंट और भाई मतलब उतरते हैं फोर अब यहाँ पर ये वाली टीम हो जाती है फिनिश और सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर मुझे फूट स्टेप आ रहे हैं तो मैं करूँगा उन वालों बंदों पे पुश तो चलो ये वाली टीम भी हो जाती है फिनिश और अभी भी बहुत सारी टीमें जिंदा है और देखते हैं भाई थोड़ा बहुत सादा रहने के बाद आगे की तरफ मैं जैसे पुश करता हूँ तो मुझे साउंड आता है भाई गाड़ी का जो कि इधर ही पुश कर रही है वो बंदे रुक गए थे तो भाई अगले अपार्टमेंट पे और भाई मेरे पास जो वेस्ट है बिल्कुल लाल हो रखा है मैं वेस्ट की तलाश में पीछे आता हूँ और ये बोर्ड दिख जाता है जिसको नौकेन फिनिश करने के बाद उसकी पेठी में मतलब वेस्ट मिलने की मुझे उम्मीद थी लेकिन यहाँ पर मुझे गोलियों के अलावा कुछ नहीं मिलता है तो भाई एक और अपार्टमेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई वेस्ट के लिए और ये देखो भाई यहाँ पर मुझे मिल जाता है एक वेस्ट और अब करेंगे उन बंदों पर पुश जो कि ऊपर दो अपार्टमेंट है वहाँ पर छुपे हुए मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे तो भाई ये वाली टीम भी हो जाती यहाँ पर ख़त्म और दोनों बंदों ने क्या ही पुश करने का मतलब तगड़े रश प्लेयर था ये तो चलो ये टीम ख़त्म करने के बाद बारी थी जो राइट में अपार्टमेंट है वहाँ पर अब मैं सीधा जा नहीं सकता भाई मुझे रास्ते में भून देंगे इसलिए थोड़ा सा रोटेट मार के स्मोक करते हुए जाता हूँ ताकि भाई कम से कम अप्रोच तो कर पाऊँ उस बिल्डिंग के अंदर तो भाई लोग इन लोगों ने क्या ही तगड़ी कैंपिंग बिठा रखी थी एक को तो मैंने मौली से नॉक कर दिया और दूसरे ने तुरंत मेरे पे रश कर दिया तो भाई वो भी मारा जाता है और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पहले से ही फाइटें चल रही है मतलब बहुत फसड़ मच्छी हुई है मतलब इतनी सारी गाड़िया नीचे दिख रही है ना मतलब शोरूम जैसा फिल आ रहा है तो देखो भाई इन लोगों ने भी क्या ही तगड़ी कैंपिंग बिठा रखी थी अब जैसे तैसे ये बंदे मारे गए हैं और इनको लूटने के बाद मैं निकल लेता हूँ और बंदों की तलाश में और जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था मुझे राइट साइड में एक कंपाउंड है वहाँ पर एक गाड़ी दिख जाती है तो इन भाई साहब को ड्रॉप शॉट की बीमारी थी और उसका इलाज मैं बहुत अच्छे से करता हूँ तो ये अकेला ही बंदा बचा हुआ था और जैसे ही मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहा था मुझे दिखती है यहाँ पर एक गड्डी पार्क की हुई और यहाँ पर रुक जाता हूँ मैं तो इस तरीके से ये वाली टीम भी हो जाती है ख़त्म और एक बंदे ने तो भाई क्या ही तगड़ा पुश करने का सोचा था तो भाई उन दोनों को ख़त्म करने के बाद आ जाते ये वाले घर से मुझे दिख रहा था एक टीम जो कि ड्रॉप लूटने आया था और वो इस छोटी हिल पे रुके हुए थे मतलब पुश भी नहीं कर रहे थे मेरे पे अब मैं इतना एक्साइटेड था उन दोनों बंदों को मारने के चक्कर में गड्डी से पहले ही जब मार दिया हेल्थ मेरी कम पड़ गई और अब देखो भाई उन बंदों के साथ कैसे फाइट लेते हैं तो ये देखो भाई बंदा मुझे स्पॉट हुआ नहीं मैंने ऐसे ही जब मार दिया लेकिन जैसे ही जब मारता हूँ बंदा मुझे दिख जाता है और इसको भी ख़त्म कर देता है भाई तो हम सब बहुत तगड़ी करने हैं तो भाई बचे हुए बंदे अब चार मतलब कि तीन बंदे और हैं तो भाई देखते हैं कहाँ मिलते हैं हमको और उसमें से एक बंदा होता है यहाँ पे तो ये देखो भाई बंदा क्या तगड़ा छुपा हुआ था इसको लगा भाई इसको क्या ही पता चलेगा लेकिन अभी बंदा किल हो गया तो बचे बंदे हैं तो जो कि सामने वाले घर पे थे अब उनकी तरफ मैं पुश करता हूँ और देखो भाई क्या होता है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा जो था भाई चिकन डिनर और अगर तुम लोग नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और बाय